हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को फिर से एक नए से ब्लॉग में स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम, हम आए हैं अपने पुराने छत पे, जो पुराना मेरा घर है उसी की छत पे आए हैं। और इधर देखिए, जो मेरा नया घर दिख रहा है वो मेरा नया घर है। अभी इस घर में बहुत सारा काम बाकी है। और इधर हमारे बच्चे भी खेल रहे थे। और ये जो घर है बहुत छोटा है, ये उतना बड़ा नहीं है। जैसा भी है अच्छा लगता है। पहले तो हम लोग यहाँ पर ही रहते थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। अब तो यहाँ आना ही मुश्किल हो जाता है, वहीं रहते हैं ज़्यादा, यहाँ बहुत कम आते हैं। और छत पे काई बैठ गया है इसलिए कि कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है, तो झाड़ू भी बहुत कम लगती है दोस्तों। इसलिए कि मम्मी अकेले रहती है, कितना कोई काम करे, उस घर काम करे कि इस घर काम करे, तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए हमारा गाँव कैसे दिख रहा है। हम जब भी अपने मायके आते हैं तो हमें ससुराल जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। उसके बाद से ये आइसक्रीम वाले भैया आए थे, तो हमारे बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं। ये इन लोग का डेली का यही काम है कि जब भी आइसक्रीम वाले भैया आएंगे तो ज़रूर आइसक्रीम लेते ही हैं। और इधर देखिए हमारे बाबू भी आइसक्रीम लेने के लिए, मम्मी उसको आइसक्रीम दिला रही है। ये खाए ना खाए लेकिन इनको आइसक्रीम चाहिए। उसके बाद से हम धोने लगे थे बर्तन, और ये बाबू मेरा रो रहा था, तो हमने बोला कि बाबू तुम बर्तन से ही खेलो, तब तक ले मैं बर्तन धो रही हूँ। तो ये बर्तन से ही खेल रहे थे, तब तक थोड़ा चुप थे, तो हमने सारी बर्तन अपनी धो ली थी। क्या करें दोस्तों, बच्चे इतने परेशान करते हैं, आदमी सोचता है कि कुछ भी उसे कोई ऐसी चीज़ दे दो ताकि वो खेले और हम अपना काम करें। और ये उसके बाद से हमने अपने बच्चे लोग को नहला दी थी। इधर देखिए हमारा बाबू कान खुजला रहा था, तो बोले रुको अम्मी खुजला रहे हैं। इसको इतना अच्छा लगता है, उसको ये सोचता है कि हमेशा कान में हाथ डाल के ऐसे ऐसे हल्का हल्का कर, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वैसे करने से वो सो भी जाता है। ये देखिए कैसे नहा लिया, काजल भी नहीं लगा रहा था, भग रहा था कैसे करके। तो हमने इसकी बाल झाड़ी थी, नहाता भी है तब भी रोता है, पता नहीं क्यों इसकी आदत बन गई है। और इधर देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, एक ही बाइक पे हमें लगे छः छः सात लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे घर के ही बच्चे हैं, हमारी भाभी की लड़की और लड़के, और हमारी दीदी के और मेरे हैं। कैसे खेल रहे हैं ये, इन लोग को खेलने में ही मस्त लग रहा है। उसके बाद से ये मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, हमने शाम को कुछ भी शूट नहीं किया था, और डायरेक्ट मैंने ये मॉर्निंग का शूट किया है। तो इधर आए हुए हैं इतने सारे लोग इसलिए कि हमारे जो एक भाई हैं उनके रिश्ता तय होने वाला था, तो इसीलिए ये लोग आए हैं तय करने के लिए। नहीं जो होता है शादी का डेट फिक्स करना, तो वही ये लोग आए हुए हैं। बहुत ढेर सारे लोग थे। और इधर ये कर रही है बाई, इसको लग रहा था कि मौसी बना रही है वीडियो, हमारी लड़की भी देख रही है इधर। और ये जो पापा है पूछ रहे थे हमारी भाभी के बारे में, क्योंकि ये भाभी के रिलेशन के ही था। उसके बाद से ये लोग गए थे, मम्मी और हमारे हस्बैंड गए थे दवा के लिए, तो ये अभी आए हुए हैं। और ये लोग गए थे तो वहाँ से लाए थे ये तरबूज, तो ये हम बैठ के तरबूज काट रहे हैं। हमको तो तरबूज इतनी पसंद है कि क्या बताएं। अरे देखिए हमारी मम्मी बैठी है, और इधर देखिए हमारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, वो भी वो अपने में ही मस्त रहते हैं। ऐसे हम कुछ बोल रहे थे अपने मम्मी से, पता नहीं क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमें तरबूज बहुत अच्छी लगती है, वही शायद हम अपनी मम्मी से बोल रहे थे। और ये देखिए मतलब उसके 10-15 मिनट की ये मतलब वीडियो है, वो हमारी इधर लग गई थी आग। देखिए कितना धुआं निकल रहा है, इतना मतलब इधर आग लगती है। एक वीडियो में हम बता ही होंगे कि हमारे तरफ जब भी मतलब ये सीजन आती है गेहूं का, तब मतलब इतना आग लगती है कि क्या बताएं। गेहूं क्यों पूरा लोगों का जल जाता है, कितने लोग का बच जाएगा, नहीं तो जल जाएगा। तो ये आग लग गई थी, तो कैसे ये सारे लोग देख रहे हैं। ये मतलब डर रहे थे, वहाँ पे बाइक खड़ी थी तो वहीं से बाइक जा रहे थे लाने के लिए, क्योंकि आग आ भी सकती है इधर, तो इसीलिए ये लोग अपना गाड़ी हटा रहे थे। और ये देखिए इनके पापा सोए हुए हैं, तो हमारे बाबू इनको जगा रहा था, खाना खिला रहे। देखिए हमको इतना अच्छा लग रहा था इसलिए कि इसको इतना अपने पापा को टेंशन है कि पापा सोए हुए हैं, खाना नहीं खा रहे। इनके पापा पूरे अच्छे तरीके से सो गए थे, और जब ये खिला रहे थे तो जग गए, देख कैसे खिला रहे हैं।
यही ना होता है बच्चों की, माँ बाप की फिक्र करते रहते हैं। उसके बाद से ये है, शाम का टाइम हम फिर आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमें लेना था अपने लड़की और लड़के के लिए कपड़ा। तो यही हम आए हैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए, अपने चौराहा मघारा चौराहा आए हैं। उसके बाद से दोस्तों हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।